राजधानी रायपुर में कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी विकास उपाध्याय द्वारा निर्वाचन अधिकारियों पर बीजेपी के पक्ष में मत करवाने के आरोप पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का एक बयान सामने आया है। दरअसल उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अपने बयान में कहा कि आरोप लगा देना एक अलग बात है। उन्होंने कहा कि भाजपा की तीन बात की सरकार थी तब उनकी सरकार आई थी, तब तो उन्होंने आरोप नहीं लगाया, अब उनकी सरकार नहीं है तो उन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया है। वहीं मतदान के बाद बीजेपी के 400 पार के दावे पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि 300 सीटों में मतदान के आधार पर बड़ी संख्या भाजपा के पक्ष में होने वाली है। दूसरे चरण के मतदान के बाद लगभग 100 सीट भाजपा के पक्ष में आएंगे। पल पार्टी कार्यालय में इस बात का सर्वे किया गया है। नहीं नहीं, आरोप लगा देना एक अलग बात है। भाजपा की तो तीन बार की सरकार थी, फिर इनकी सरकार आई थी तब नहीं लगाया कोई आरोप। अभी तीन महीने में भाजपा की सरकार आने हैं तो आरोप लगाना शुरू कर दिया। तो लगाते भैया कि हमारे पक्ष में मतदान करा दिया इसलिए हमारी सरकार बन गई। कर जो तटस्थता है प्रशासन की उसको बने रहने देना चाहिए, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए। 300 सीटों में मतदान के आधार पर बहुत बड़ी संख्या भाजपा, पूरा आकलन तो मैं नहीं कह सकता लेकिन बड़ी संख्या भाजपा के तरफ से होने वाली है। दूसरे चरण के मतदान के बाद लगभग 100 सीटें भाजपा की बन रही है ऐसा आकलन हुआ था। कल पार्टी कार्यालय में सर्वे भी किया गया था और आज शाम तक शायद कुछ और निर्णय आएगा। इसमें अच्छी संख्या के साथ भाजपा का एनडीए जो है वो 400 पार जाने वाला है।